ताजमहल को लेकर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। संगीत सोम सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब एक और नेता का इस विवाद से नाम जुड़ गया है। बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि आगरा में स्थित ताजमहल हिंदू मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था। बीजेपी नेता विनय कटियार ने ताजमहल पर बयान देते हुए कहा कि मुगलों ने हमारे देवस्थानों को तोड़ने का काम किया है। ताजमहल हिंदू मंदिर है, वहाँ देवी देवताओं के सारे चिन्ह है। वहाँ ऊपर से पानी टपकता है जो शिवलिंग पर टपकता था। उस शिवलिंग को हटाकर शाहजहां ने मजार बनवा दी है। हालांकि विनय कटियार ने साफ किया कि यह सच है कि वहां एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, लेकिन वह ताजमहल को तोड़ने के पक्ष में नहीं है। वहीं ताजमहल पर विवादित बयान देते हुए विनय कटियार ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापा। उन्होंने दावा किया कि चाहे कैसे भी हो, अयोध्या में राम मंदिर बनकर ही रहेगा। वह भूमि भगवान राम की है और कोई ताकत वहाँ मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। कटियार ने राम मंदिर के लिए आंदोलन और संघर्ष का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर की रक्षा के लिए अब तक 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। विनय कटियार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास अन्य विकल्प भी हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर के केस में हुआ। हम राम मंदिर को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। मंदिर के प्रथम तल पर कच्चा माल भी तैयार कर लिया गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।